कैंसर से जिंदगी की जंग हारी पोकेमोन स्टार राचेल लिलिस एनिमे की दुनिया के पॉपुलर पोकेमोन सीरीज में मिस्टी और चेसी के किरदारों को अपनी आवाज देने वाली राचेल लिलिस का निधन हो गया है। केवल 46 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे फैंस बेहद उदास हैं। राचेल लिलिस ने अपनी यूनिक आवाज और एक्टिंग से मिस्टी और जेसी जैसे किरदारों को जिंदा कर दिया था, जिन्हें पोकेमोन के फैंस बेहद पसंद करते थे। राचेल के निधन की जानकारी उनके को स्टार और दोस्त वेरोनिका ने दी। वेरोनिका टेल ने भी एनिमे के पहले 8 सीजनों में एश केचम और उसकी माँ डेलिया की आवाज दी थी। वेरोनिका ने अपने एक्स हैंडल के जरिए राचेल लिलिस के निधन की खबर दी। साथ ही उन्होंने राचेल को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, हम सभी राचेल लिलिस को उनके शानदार किरदारों के लिए जानते हैं। उन्होंने हमारी शनिवार की सुबहों और स्कूल के पहले बात के टाइम को अपनी सुंदर आवाज, बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग से संवारा है। वेल, आप क्या कहना चाहते हैं राचेल के निधन को लेकर? कमेंट करके बताइए उनकी आवाज आपको कैसी लगती थी। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।